बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की भी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूरसागर की विधायक सूर्यकांता व्यास से उनके घर जाकर मुलाकात की है। दो अलग अलग पार्टी के नेताओं की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। सूर्यकांता व्यास के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। दरअसल इस बार बीजेपी ने सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया। ऐसे में इन अटकलों को और हवा मिल रही है। अगर सूर्यकांता व्यास कांग्रेस का दामन थामती हैं, तो ये मारवाड़ की राजनीति के अंदर एक बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है। तो आप देखिए, ऐसे में राजनीति के हर दाव चले जाते हैं। राजस्थान के अंदर जादूगर कहते हैं अशोक गहलोत को, और उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें इसी नाम से जानते हैं। कोई ना कोई उलटफेर करने की कोशिश वो हमेशा करते रहते हैं, और ऐसे में सूरसागर से बीजेपी ने विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काटा तो अशोक गहलोत उनसे उनके घर मिलने चले गए। जाहिर तौर पर जो तस्वीरें सामने आई, यही इस राजनीति का सबब भी था। चाहते थे अशोक गहलोत कि ये तस्वीरें सामने आए हैं और ये चर्चा भी हो। और अब आपको बताते हैं कि दरअसल सूर्यकांता व्यास हैं कौन, क्यों आखिर इतनी चर्चा हो रही है। तो सूर्यकांता व्यास बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, सूरसागर से मौजूदा विधायक हैं, और अब तक 7 बार विधायक रह चुकी हैं और 6 बार जीत दर्ज कर चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सूर्यकांता व्यास की कई बार तारीफ कर चुके हैं। बीजेपी ने इस बार सूर्यकांता व्यास का टिकट काटा तो 7 बार चुनाव लड़ चुकी, 6 बार विधायक रह चुकी सूर्यकांता व्यास की तारीफ अशोक गहलोत कर चुके हैं, और बीजेपी ने उनको इस बार टिकट नहीं दिया तो सूर्यकांता व्यास से मिलने पहुंच गए अशोक गहलोत। राजस्थान की राजनीति के अंदर ब्राह्मण मत भी खासा दबदबा रखते हैं, और ऐसे में ब्राह्मण मतों के लिहाज से भी सूर्यकांता व्यास को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की अपना किला बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल इसी चीज को लेकर खड़ा है कि क्या इस बार कांग्रेस सूरसागर में ब्राह्मण पर दाव खेलने जा रही है। सूरसागर सीट में नए चेहरे की तलाश है, क्योंकि पिछले उम्मीदवार अयूब खान को आरपीएससी का मेंबर बना दिया गया। ऐसे में पार्टी यहां पर नया चेहरा तलाश रही है, तो क्या इस बार वहां कांग्रेस ब्राह्मण प्रत्याशी उतार सकती है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अशोक गहलोत सूर्यकांता व्यास से मिलने पहुंच गए थे, और क्या वो ब्राह्मण प्रत्याशी सूर्यकांता व्यास हो सकती हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर इस राजनीति के बीच ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई है। सूर्यकांता व्यास कह चुकी हैं कि वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सूर्यकांता व्यास एक तरफ बीजेपी से टिकट कटने के बाद चुनाव लड़ने को लेकर खुद को तैयार बता चुकी हैं, तो वहीं अशोक गहलोत का उनसे मिलना। Zee News.